अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये क्या है? लगता है ये पागल हो गया। ये आर्ट से पागल नहीं है, ये हमेशा से ही पागल है। चलो भाई, मंडे वाले दिन एक और इनसे ब्लंडर हो गया। क्या बारी खलील साहब की बारी आई तो उन्होंने सीधा जो है वो चिश्ती रसूलल्लाह वाला वाकया वहां पे सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। तो आप देखें, उस मुफ्ती का चेहरा भी लटक गया और एंकर की तो जुबान ही बाहर निकल आई। आप देखें, उसकी जुबान ऐसे बाहर निकली है कि जिस तरह मुझे जबा करने लगे। और फिर एक जुमला कारी साहब ने बड़ा जबरदस्त बोला, तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। हाय हाय हाय, कारी साहब 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। वो जो लोग बैठे हुए इन मौकिफात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, अल्लाह माफी दे आपा। मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रखे, मेरा बहुत दिल करता है। वो एंकर साहब गुस्से में आ गए, ओ तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम लोगों के गुस्से की क्या औकात है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अभी तो कैसी बैठी हो? वो चाहे कोई भी है, ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां। बड़ा ही बुरा वक्त आया जाना होता है, यकीन करो। मैं इस बात को काबिले कबूल नहीं समझता। क्या? मैं इस बात को काबिले कबूल नहीं समझता। चल। सिर्फ गुलाम कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे, हमने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने। आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। क्या बोला तूने? प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। मैं तैयार हूं इंशाल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था, बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। उलमा बेचारे सस्टेन नहीं कर सके, तो ये लोग जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, ये तो बेचारे शाही कोई नहीं। मजा आया। और आज मैं इस मुफ्ती के ऊपर और इसके फ्रंटमैन उस एंकर के ऊपर एक नया इल्मी आइटम बम गिराने लगा हूं। क्या? वो 2009 के अंदर जो इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया, उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। हनीफ कुरैशी ने इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात यह, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर। काफिर है। इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान ना खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ओए मुफ्ती, झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीहात के नाम के ऊपर। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। और आज हम ये वीडियो साथ लगाएंगे, इसके मुंह के ऊपर, इस एंकर के मुंह के ऊपर कालक मलेंगे। तवज्जो, बैठ जा। ऑनलाइन का इंतजाम करेंगे हम आगे, जैसे मैं कर सकता हूँ, जैसे पहले आप आए हैं। मगर उसकी शर्त यह है कि आप माफी मांगे जो बदतमीजियां आपने की है। भाई शक्ल देखिए अपनी, केंजर साहब आपसे माफी मांगे। माफी मांगे जो बदतमीजियां आपने की हैं। माफी मांगे जो बदतमीजियां आपने की हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, बस निकल गई हवा। म्यूजिक। अब तेरा क्या बनेगा मुफ्ती, और तेरा क्या बनेगा डैश डैश।